हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप देख रहे हो टेक्निकल सिराजी, और आज हम विंडो 10 को इंस्टॉल करना सीखेंगे कि अपने लैपटॉप या पीसी में किस तरह से हम विंडो 10 को इंस्टॉल करते हैं। तो उसके लिए हमें जाना होगा अपने लैपटॉप या पीसी पर। लैपटॉप या पीसी में सबसे पहले आपको इंसर्ट करनी होगी अपनी यूएसबी। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यूएसबी लगा दी है। उसके बाद आपको एक चाहिए माउस, वो भी यूएसबी वाला। क्यों? क्योंकि जब आप विंडो 10 इंस्टॉल करोगे तो उस टाइम हो सकता है कि आपके लैपटॉप का जो टच पैड है वो काम ना करे, तो इसलिए एक माउस होना चाहिए। तो ये माउस हम कनेक्ट कर रहे हैं। माउस को कनेक्ट कर दिया क्योंकि टच पैड काम नहीं करती है। और फ्रेंड्स, अपने मतलब जो यूएसबी ड्राइव है वहाँ पर एक इंटेल रैपिड स्टोरेज टेक्नोलॉजी मतलब करके एक ड्राइवर होते हैं, वो भी आप अपनी पेन ड्राइव में इंस्टॉल कर लेना, मतलब कॉपी पेस्ट कर लेना। न्यू कभी कभार है ना, ऐसा होता है कि हार्ड डिस्क हमारी जो एसएसडी होती है वो विंडो इंस्टॉल करते वक्त नहीं शो होती। जो 11 जनरेशन के होते हैं, जो 11 जनरेशन के लैपटॉप या कंप्यूटर आ रहे हैं, उनमें ऐसा अक्सर होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये भी कॉपी कर लेना। कॉपी करके आप अपनी पेन ड्राइव में डाल लेना। उसके बाद रिस्टार्ट करना अपने पीसी को। पीसी को रिस्टार्ट कर चुके हैं। रिस्टार्ट करने के बाद आपको F9 मतलब बूटिंग की दबानी होगी। आपकी बूटिंग की F9, F10, F11 या F2 कुछ भी हो सकती है। मैं HP 250G8 लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, तो इसकी जो है बूटिंग की F9 है, तो मैंने F9 प्रेस करा था। अब हमारी जो USB है वो आ चुकी है। USB पे क्लिक करके हमने एंटर कर दिया था। अब आगे चलते हैं, पूरा प्रोसेस देखेंगे विंडो 10 का। थोड़ा टाइम लेगा फ्रेंड्स, क्योंकि विंडो जब इंस्टॉल होती है तो थोड़ा टाइम लेता है हमारा लैपटॉप या पीसी। फिर आएगा मैं इस तरह से इंटरफेस, जिसमें हमें लैंग्वेज, टाइम, कीबोर्ड लेआउट द कीबोर्ड इनपुट मेथड। तो आपको टाइम टाइम एंड इसमें करना इंडिया। इसमें सेलेक्ट करना आपको इंडिया। ये आपको सर्च करना होगा इंडिया। देखो ये इंडिया आपको इंडिया इंग्लिश इंडिया ये आपको इसमें सेलेक्ट करना होगा। ये क्यों सेलेक्ट करते हैं? ताकि जो आप मतलब जो टाइम आए हमारे कंप्यूटर में वो इंडिया वाला आए। यदि आप इसे सेलेक्ट नहीं करते हो तो टाइम फिर डिफरेंस आएगा, तो इसे ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। टाइम जोन को अपने टाइम जोन को इंडिया कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट के बाद इंस्टॉल नाउ, इस पर क्लिक करना है इंस्टॉल नाउ पर। उसके बाद प्रोसेसिंग होगी थोड़ी देर, सेटअप इज स्टार्टिंग।
उसके बाद आएगी आपको ये की। यदि आपके पास की है तो डाल देना, नहीं है की तो फिर इसके, अभी धुंधला हो रहा है थोड़ा सा, ये आई डोंट वाला ये ऑप्शन सेलेक्ट करना। उसके बाद आपको इंटरफेस आ जाएगा कुछ ऐसा। उसके बाद आप विंडो 10 होम या विंडो 10 n जो सी भी आपको डालनी हो उस पर सेलेक्ट करना उसको। तो मैं सेलेक्ट करूँगा विंडो 10 प्रो, विंडो 10 प्रो 64 बिट, विंडो 10 प्रो 64 बिट। उसके बाद कर देना मुझे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, अभी प्रोसेसिंग लेगा थोड़ी सी। उसके बाद हमें करना है, अभी आ गया एक पॉपअप, पॉपअप के बाद हमें आई एग्री, आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद हमें करना नीचे जो कस्टम इंस्टॉलेशन विंडो ओनली एडवांस, इस पर क्लिक करना है, ऊपर नहीं नीचे वाले को। उसके बाद हमें यहाँ SSD फाउंड नहीं होती, तो मैंने आपको जो शुरू में बताया था कि हमें इंटेल रैपिड टेक्नोलॉजी स्टोरेज के ड्राइवर अपनी पेन ड्राइव में कॉपी करके पेस्ट करने होते हैं, अब वो यहाँ काम आएंगे। क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है वो 11th जनरेशन का है, i3 11th जनरेशन का, इसलिए इसमें हार्ड डिस्क शो नहीं होती। तो हमें वो जो ड्राइवर हैं वो हमारी हार्ड डिस्क को शो करने में हमारी मदद करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपके सिस्टम में भी इस तरह से आता है कि हार्ड डिस्क शो नहीं होती, तो आपको भी वही जो ड्राइवर है वो आपको डाउनलोड करने होंगे। लेकिन फिलहाल वो इंटेल की वेबसाइट पर अब नहीं है। यदि आप इंटेल रैपिड स्टोरेज टेक्नोलॉजी करके सर्च करोगे तो अब नहीं मिलेंगे आपको, अब वो वेबसाइट ने हटा दी है इंटेल ने। तो आपका जो भी कंपनी का लैपटॉप है HP या डेल का, उसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, स्टोरेज टेक्नोलॉजी करके ड्राइवर होंगे। यदि आपको नहीं मिलते तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसके डिस्क्रिप्शन लिंक में, मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में वो मैंने ड्राइवर डाउनलोडिंग लिंक दे रखा है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना और अपनी पेन ड्राइव में उन्हें कॉपी करके पेस्ट कर देना बस, जो अपने बूटिंग पेन ड्राइव बनाई है। उसके बाद जाना हमें लोड ड्राइवर, लोड ड्राइव पर। इसके बाद ब्राउज़र ब्राउज करना हमें, ब्राउज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपनी USB को सेलेक्ट करना है। USB को सेलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक, जो मैंने फ्रेंड्स बताए थे वो यही ड्राइवर है। देखो BMD और non-BMD, यदि आपका लैपटॉप है तो BMD, डेस्कटॉप है तो non-BMD, तो मेरा लैपटॉप है तो मैं करूँगा BMD। यदि आपकी हार्ड डिस्क शो हो जाते तो और अच्छी बात है, फिर आपको ज़रूरत नहीं है। मेरी हार्ड डिस्क शो नहीं होती इसलिए मुझे ज़रूरत है, तो BMD पे सेलेक्ट करूँगा, एक बार क्लिक करके फिर इसे ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद ऊपर वाला सेलेक्ट करके इंटेल RST BMD नेक्स्ट कर दूँगा, अब मेरी हार्ड डिस्क शो हो जाएगी, मेरी हार्ड डिस्क मुझे शो हो जाएगी, फिर मैं अपनी विंडो को इंस्टॉल कर सकता हूँ। मेरी हार्ड डिस्क शो हो चुकी है जैसा कि आप देख रहे हो। अब मुझे जिस ड्राइव में भी अपनी विंडो इंस्टॉल करनी है मुझे उस ड्राइव को सेलेक्ट करना होगा, तो मैं इस ड्राइव को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे फॉर्मेट करता हूँ, क्योंकि जो पुरानी जो विंडो है मैं उसे फॉर्मेट करना चाहता हूँ, ताकि पुराना जो डाटा है मेरा, मतलब सी ड्राइव मेरी फॉर्मेट करना चाहता हूँ, मेरी सी ड्राइव है ना फॉर्मेट हो चुकी है। जो आपकी सी ड्राइव फॉर्मेट कर दी उसके बाद नेक्स्ट करना है।
नेक्स्ट। उसके बाद हमारी विंडो इंस्टॉलिंग चालू हो चुकी है, अभी ये विंडो इंस्टॉल हो रही है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ वेट करना होगा जब तक हमारी प्रोसेसिंग होती है। यदि आपका लैपटॉप मतलब आई फाइव या i3 11 जनरेशन, i3 10 जनरेशन और SSD हार्ड डिस्क है तो आपके यहाँ बूटिंग जल्दी हो जाएगी। यदि आपका लैपटॉप मतलब पुराने उसका मॉडल का थोड़ा टाइम लेगा, फिर मेरा लैपटॉप i3 11 जनरेशन का, इसलिए जल्दी बूटिंग हो जाएगी मेरे लैपटॉप में। उसके बाद आपके जब प्रोसेसिंग हो जाएगी तो रिस्टार्ट होगा। अब ये लैपटॉप रिस्टार्ट हो रहा है। जब भी आप विंडो इंस्टॉल करो तो ज़्यादा छेड़ाखानी मत करना, जो की होती है हमारी कीबोर्ड की, उनके साथ छेड़ाखानी मत करना और ना ही अपने लैपटॉप को बीच में बंद करना, इससे हमारी विंडो क्रैश हो जाती है। यदि बीच में लैपटॉप बंद हो जाता है या पावर ऑफ हो जाता है तो क्रैश हो जाती है विंडो। उसके बाद सेलेक्ट करना हमें इस तरह से ऑप्शन आएगा, इसमें सेलेक्ट करना इंडिया। क्या सेलेक्ट करना? इंडिया। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट। उसके बाद यूएस कीबोर्ड लेआउट, यूएस कीबोर्ड लेआउट। आप चाहो तो इंडिया भी कर सकते हो, इंडिया भी कर सकते हो, इंग्लिश इंडिया कर सकते हो। उसके बाद फिर नेक्स्ट। उसके बाद वाईफाई है तो ठीक है, बनना इसे मैं से इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इंटरनेट से कनेक्ट करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर इतने में बिना इंटरनेट के इसे आगे बढ़ा रहा हूँ प्रोसेस को। यदि आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो तो एक माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट फिर आपको डालना होगा, तब वो जाके विंडो इंस्टॉल होगी। यदि आप इसे इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हो, फिर से हमें वही आई डोंट, फिर वही करना हमें कंटिन्यू विद। यहाँ मैं डालना अपना नाम पीसी का, आपका पीसी का नाम जो भी रखना चाहो रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको इनमें से लोकेशन ऑफ कर देनी है, ये भी ऑफ कर देना है, ये भी ऑफ, ये भी ऑफ कर देना है।
आप चाहो तो इन्हें खुले रहने देना, चाहे आप ऑफ कर दें, मैं तो ऑफ कर देना, वरना बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर डाउनलोड होते रहते हैं बेफालतू में। उसके बाद नेक्स्ट चलना, उसके बाद फिर एक्सेप्ट, उसके बाद टाइम लेगा थोड़ा सा हमारा। पीसी को ऑफ मत करना, अगर ऑफ हो जाता है तो विंडो क्रैश हो जाएगी आपकी। कुछ नहीं छेड़ना, आपको इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, आपको पेशेंस बना के रखना है। विंडो इंस्टॉल हो चुकी है दोस्तों, तो हमारी विंडो 10 इंस्टॉल हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आप विंडो इंस्टॉल इस तरह से कर सकते हो। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।